हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। टॉपिक जो चल रहा था सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन चल रहा था, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। और मेथड जो यूज कर रहे थे सॉल्यूशन करने के लिए रिकरेंस रिलेशन को, वो मेथड यूज कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक मेथड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड, ठीक है। रूट्स पे लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मेथड फॉर सॉल्विंग। किस टाइप के रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर रहे थे इस मेथड से? फॉर सॉल्विंग लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ठीक है, ठीक है। तो जो मेथड यूज कर रहे थे, मेथड है वो कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मेथड, ठीक है। और किस टाइप के रिकरेंस रिलेशन को सोल्व कर रहे थे? लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। एक बार जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। जो जनरल फॉर्म होता था इसका किस टाइप से होता था? ई नॉट ए एन प्लस ई वन ए एन माइनस 1 प्लस C2 AN माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस CK AN माइनस K इक्वल टू FN, ठीक है। ये जनरल फॉर्म था लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड पे जो ये FN है, ठीक है, ये FN इक्वल टू 0 हो जाता था, ठीक है। तो इस टाइप के रिकरेंस रिलेशन को क्या बोल देते थे? लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। और जो वर्किंग रूल था वो क्या था इस टाइप के रिकरेंस रिलेशन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो इस कोई भी गिवन रिकरेंस रिलेशन होता था तो इस जनरल फॉर्म से, किसका जनरल फॉर्म? लीनियर रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का जनरल फॉर्म से मैच कर लेते थे। राइट हैंड साइड पे अगर एफ एन इक्वल टू 0 है तो इस टाइप के रिकरेंस रिलेशन को, लीनियर रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को बोल देते थे लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। अगर कंडीशन आती थी इफ Fn नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो लीनियर तो होता था वो बट नॉट अ होमोजीनियस। तो कंबाइंड करके पूरे सेंटेंस को क्या लिखते थे? नॉट अ लीनियर होमोजीनियस रिलेशन, ठीक है। ये तो हम पीछे, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो आप आई टैब पे क्लिक कर लीजिएगा, पूरा प्लेलिस्ट है रिकरेंस रिलेशन का, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पीछे जो रिकरेंस रिलेशन था होमोजीनियस रिलेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड से जो लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सोल्व कर रहे थे, लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन को, वो अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। उस पर बेस क्वेश्चन कराए हैं काफ़ी सारे उस पर, ठीक है। तो आप पहले वो वीडियो देख लें, देन आप इस वीडियो पर आए, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं नॉन होमोजीनियस रिलेशन, ठीक है, ठीक है। कोई भी रिकरेंस रिलेशन गिवन होगा, ठीक है, आप उसको गिवन रिकन्सिलिएशन को इस फॉर्म से मैच कर लेंगे, किस फॉर्म से, जो है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर रिकन्सिलिएशन का जनरल फॉर्म है। और राइट हैंड साइड पे एफ एन नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उस रिकन्सिलिएशन को आप बोल देंगे नॉट अ लीनियर होमोजीनियस रिकन्सिलिएशन। ठीक है, अब क्या करेंगे अगर आपको मिल जाता है रिकन्सिलिएशन, ठीक है, कौन सा रिकन्सिलिएशन वही देखेंगे, नॉन होमोजीनियस रिकन्सिलिएशन। नॉन होमो नॉन होमोजीनियस, ठीक है, ठीक है, नॉन होमोजीनियस मतलब पहले जब जो गिवन रिकन्सिलिएशन होगा इस फॉर्म से मैच कर लेंगे और राइट हैंड साइड पे देख लेंगे एफ एन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस टाइप के रिकन्सिलिएशन को सोल्व कैसे करते हैं, तो गिवन रिकन्सिलिएशन होगा जो उसका जनरल सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, किसका जनरल सॉल्यूशन, नॉन होमोजीनियस रिकन्सिलिएशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा ए एन इक्वल टू ए एन होमोजीनियस प्लस ए एन पर्टिकुलर। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे उसके, ए एन होमोजीनियस। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि होमोजीनियस तो है ही नहीं वो, ठीक है, तो होमोजीनियस इसको जनरेट करेंगे हम, जो भी गिवन रिकन्सिलिएशन होगा, ठीक है, सबसे पहले तो लीनियर होगा वो, ठीक है, लीनियर होगा या होमोजीनियस, होमोजीनियस होगा या नॉन होमोजीनियस होगा। ठीक है, होमोजीनियस तो हम पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, उस पर बेस कर चुके हैं, उस पर अच्छे से बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी आपको रिकन्सिलिएशन मिलेंगे वो नॉन होमोजीनियस रिलेशन मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले उनको आप एक होमोजीनियस रिलेशन बनाएंगे, लीनियर होमोजीनियस रिकन्सिलिएशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। कैसे बनाएंगे, आप एसोसिएट करेंगे एफ एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब आप किसी भी गिवन रिकन्सिलिएशन को एसोसिएट करेंगे एक होमोजीनियस रिलेशन में। ठीक है, एफ एन इक्वल टू जीरो कर लेंगे और फिर वहां से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, फिर अगर k डिग्री का आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा तो आपके पास जो रूट आएंगे वो भी k रूट आएंगे। ठीक है, और किस टाइप के रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट आ सकते हैं, मल्टीपल रूट आ सकते हैं या मिक्स्ड रूट आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये देख लेते हैं, सपोज करते हैं कोई आपके पास रिलेशन गिवन है नॉन होमोजीनियस, ठीक है, सपोज करते हैं आपके पास जो नॉन होमोजीनियस रिलेशन गिवन है वो है ए एन माइनस सिक्स ए एन माइनस वन प्लस एट ए एन माइनस टू इक्वल टू थ्री। ठीक है, ये कोई रिलेशन गिवन है। ठीक है, जब आप इसके फॉर्म को मैच करेंगे, ठीक है, लीनियर रिकन्सिलिएशन के जनरल फॉर्म से, तो यहाँ पे तो ये है लीनियर तो है बट नॉट अ होमोजीनियस बिकॉज ऑफ, क्योंकि एफ एन नॉट इक्वल टू जीरो राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो ये नॉट अ लीनियर होमोजीनियस हो गया अगर एक कनेक्टेड सेंटेंस में बोलेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको होमोजीनियस बनाएंगे, किस टाइप से बनाएंगे, ए एन माइनस सिक्स ए एन माइनस वन प्लस एट ए एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, लेट ए एन इक्वल टू आर टू द पावर एन बी सॉल्यूशन। ठीक है, पावर एन बी अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन रिलेशन। ठीक है, अब ये जो गिवन रिलेशन था इसमें एन इक्वल टू आर टू द पावर एन पुट कर देंगे, ऐसे ही ए एन माइनस वन इक्वल टू आर टू द पावर एन माइनस वन पुट कर देंगे और ए एन माइनस टू इक्वल टू आर टू द पावर एन माइनस टू पुट कर देंगे। ठीक है, फिर जो ऑर्डर चल रहा है इसका एन माइनस के इक्वल टू टू, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का रिलेशन है रिकन्सिलेशन, तो इसको आर टू द पावर एन माइनस टू से डिवाइड कर देंगे। पहले ऐसा बना लेंगे इसको इक्वेशन, किस टाइप से बन जाएगा ये आर टू द पावर एन माइनस सिक्स आर टू द पावर एन माइनस वन प्लस एट आर टू द पावर एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कर देते हैं डिवाइडिंग बाय आर टू द पावर एन माइनस टू। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, यही तो करते थे, यही तो वर्किंग रूल लगाते थे होमोजीनियस रिकन्सिलिएशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, डिवाइडिंग बाय आर टू द पावर एन माइनस टू, जब इसको डिवाइड करेंगे इस वाले इक्वेशन को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस सिक्स आर प्लस एट इक्वल टू जीरो, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, अब k डिग्री का कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता था तो उसके रूट्स भी k रूट्स आते थे। ठीक है, ऐसे ही जो इसका पेयर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा r माइनस फोर आर स्क्वायर माइनस सिक्स आर प्लस एट। ठीक है, तो ठीक है, तो ये बन जाएगा r माइनस फोर आर माइनस टू इक्वल टू जीरो। जो रूट्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे r इक्वल टू टू एंड फोर, दो रूट आ गए इसके। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन होगा इसका ए एन होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर दो डिस्टिंक्ट रूट आते थे तो जो जनरल सॉल्यूशन हो जाता था वो कितना होता था ई वन आर वन टू द पावर एन, मतलब आर वन इक्वल टू टू है तो टू टू द पावर एन प्लस ई टू आर टू टू द पावर एन। ठीक है, मतलब आर टू फोर है तो फोर का पावर एन। ठीक है, इस टाइप से लेते थे होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, ये जो जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, होमोजीनियस जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो देखना है बट इसका जो इस टाइप के जो नॉन होमोजीनियस रिलेशन गिवन होते थे इनको सोल्व करते थे कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड से, तो ए एन इक्वल टू ए एन होमोजीनियस प्लस ए एन पर्टिकुलर। होमोजीनियस तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपको पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अभी तक आपने वो नहीं देखे तो वो देख लें, आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर कोई रिकरेंसलेशन गिवन हो, ठीक है, किस टाइप का रिकरेंसलेशन, लीनियर होमोजीनियस रिकरेंसलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, उसको कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड का यूज करके कैसे उसको सोल्व करते हैं वो अच्छे से डिटेल में यूज किया गया है। ठीक है, डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो आप उस वीडियो को देख ले जाके। ठीक है, तो होमोजीनियस सॉल्यूशन तो इस टाइप से निकाल लेंगे। अब बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर गिवन नॉट अ लीनियर होमोजीनियस रिकरेंसलेशन। ठीक है, तो अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपके fn पे। ठीक है, fn नॉट इक्वल टू जीरो है। पहले तो हमने इसको क्या किया था होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए, क्या किया था होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, कोई भी गिवन रिकरेंसलेशन था नॉन होमोजीनियस टाइप का, ठीक है, मतलब एफ एन नॉट इक्वल टू जीरो था, तो उसको हमने होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने के लिए एफ एन इक्वल टू जीरो लेट कर लिया था। ठीक है, और फिर वही जो वर्किंग रूल लगाते थे किसी होमोजीनियस, ठीक है, लीनियर होमोजीनियस रिकरेंसलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सोल्व करने के लिए बाय द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मेथड के। ठीक है, वही सब वर्किंग रूल लगाया, तो होमोजीनियस तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एफ एन जो था, ठीक है, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो एफ एन पे डिपेंड करता है। अब एफ एन जो होगा आपका, ठीक है, वो किस टाइप का हो सकता है, ठीक है, ये तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट हो सकता है, या पॉलिनोमियल हो सकता है, या कांस्टेंट की पावर पॉलिनोमियल हो सकता है, या पॉलिनोमियल की पावर कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, या पॉलिनोमियल हो सकता है कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो सब डिपेंड करता है आपके एफएन पे, ठीक है। अब वो देख लेंगे एफएन जिस टाइप से होगा तो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी उस टाइप से आपके पास आएगा, ठीक है। अभी डिटेल में देखते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं किसी नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन देख लेते हैं कि किस टाइप के आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक साइड देख लेते हैं कि जो फॉर्म बनेगा एफ एन का, अगर आपको कोई गिवन रिकरेंस रिलेशन है, ठीक है, लीनियर तो है बट होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि जो राइट हैंड साइड पे होगा एफ एन नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो आपको फॉर्म देख लेते हैं पहले किस टाइप का फॉर्म मिल सकता है, ठीक है। फॉर्म ऑफ एफ एन, ठीक है, जिस टाइप का फॉर्म मिलेगा तो उस टाइप का ट्रायल फंक्शन, ठीक है, क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं आप। ट्रायल फंक्शन, ठीक है। सपोज करो जो आपके पास fn है वो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, ठीक है, पॉलिनोमियल Pn ऑफ डिग्री m, ठीक है। सपोज करो आपके पास एन स्क्वायर या एन क्यूब, एन टू द पावर 4, ठीक है, एंड सो ऑन एन टू द पावर n, ठीक है। इस फॉर्म में आपको जो है fn मिल गया राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तब देखते हैं जो ट्रायल फंक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा, ठीक है, जो पॉलिनोमियल Pn ऑफ डिग्री m है, ठीक है। ये एन स्क्वायर, एन क्यूब, एन 4 इसके रिप्लेस में आपको इस टाइप से भी मिल सकता है, इस टाइप से कंफ्यूज मत होना आप। आर स्क्वायर, ठीक है, आर क्यूब, आर टू द पावर 4 एंड सो ऑन आर टू द पावर m, ठीक है। तो जो इसका ट्रायल सॉल्यूशन बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, ये पॉलिनोमियल Pn है ऑफ डिग्री m, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी जब उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट आएंगे, ठीक है, तो वो उस पर भी डिपेंड करेगा आपका जो फॉर्म ऑफ fn है, ठीक है, उसकी आगे बात करेंगे। अब ये जो fn आपको गिवन है नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन में, गिवन नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन में जो आपका fn है राइट हैंड साइड पे नॉट इक्वल टू 0 है और इनमें से किसी फॉर्म में दिखाई देता है, और ये है ये जो आपका fn है, ठीक है, डेट इज नॉट ऑफ, ठीक है, नॉट ऑफ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कोई रूट नहीं है और इस फॉर्म में है आपका। तो जो ट्रायल फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। अगर आपका एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर का ए नॉट प्लस ए वन एन प्लस ए टू एन स्क्वायर, ठीक है, और अगर n होता तो ए नोट प्लस ए वन एन, ठीक है। अगर n के रिप्लेस में r मिलता आपको fn, r स्क्वायर मिल जाता तो ए नोट प्लस ए वन r, ठीक है, या ए नोट प्लस ए वन को आप p नोट प्लस पी वन से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे क्वेश्चन आप करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर एन स्क्वायर है तो ए नोट प्लस ए वन एन प्लस ए टू एन स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अगर एन है तो ए नोट प्लस ए वन एन, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका एन क्यूब है या आर क्यूब है तो ए नोट प्लस ए वन एन प्लस ए टू एन स्क्वायर प्लस ए थ्री एन क्यूब। ठीक है, ऐसे आ जाएगा आपका। अगर आपका एन टू दी पावर एम है तब क्या हो जाएगा ट्रायल सॉल्यूशन, ए नोट प्लस ए वन एन प्लस ए टू एन स्क्वायर प्लस ए थ्री एन क्यूब प्लस ए फोर एन टू दी पावर फोर प्लस एंड सो ऑन प्लस। ठीक है, कितना हो जाएगा ए एम एन टू दी पावर एम। ठीक है, ये ट्रायल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको जो राइट हैंड साइड पे एफ एन है नॉन होमोजीनियस कैंसिलेशन में, वो इस किसी फॉर्म में मिलता है पॉलिनोमियल की पावर। ठीक है, क्यूब हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पॉलिनोमियल की पावर फोर हो सकता है, या पॉलिनोमियल की पावर एम तक हो। ठीक है, तो इस टाइप से ट्रायल फंक्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो है आपको, ठीक है, आपको जो नॉन होमोजीनियस रिलेशन में एफ एन जो आपका है, ठीक है, वो इस फॉर्म में बनता है कॉन्स्टेंट टू दी पावर समथिंग। ठीक है, और साथ में कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, सपोज करो ये मिल जाता है 2 टू दी पावर एन, 3 टू दी पावर एन एंड 4 टू दी पावर एन। इस टाइप से आपको कुछ भी मिल जा सकता है। ठीक है, तो रियल नंबर की पावर एन। ठीक है, और फिर देखेंगे आप, अभी मैंने बताया था आपको पहले कि ये जो है जो राइट हैंड साइड पे आपको मिलता है, ठीक है, मतलब फंक्शन मिलता है एफ एन। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कैरेक्टरिस्टिक रूट आए हैं वो कहीं इससे मैच तो नहीं हो रहे। ठीक है, अगर मैच कर रहे होंगे तो उसका एक अलग कंडीशन होगा। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लीकेशन में है कोई पॉलिनोमियल इसके। ठीक है, सपोज करते हैं इस फॉर्म में है टी टू दी पावर एन और पी एन। ठीक है, टी टू दी पावर एन मतलब 2 टू दी पावर एन हो सकता है, 3 टू दी पावर एन हो सकता है, 4 टू दी पावर एन हो सकता है, और साथ में कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल इस टाइप का एन स्क्वायर एन क्यूब, ठीक है, एन टू दी पावर 4 ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो सी है आपका एफ एन इक्वल टू जो आपको ये मिलेगा 2 टू दी पावर एन, 3 टू दी पावर एन, 4 टू दी पावर एन, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं है। ठीक है, इफ सी इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इफ सी इज नॉट अ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, फिर जो आपका जो ट्रायल फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको तो डायरेक्ट लिख देंगे सी टू डी पावर एन जो ये है, क्योंकि ये तो रूट है नहीं। ठीक है, सी इज नॉट अ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इसको तो डायरेक्ट लिख देंगे। और जो साथ में पॉलिनोमियल होता था, ठीक है, उसको कैसे एक्सप्रेस करते थे अभी देखा हमने, एन स्क्वायर होता था तो ऐसे डिनोट करते थे, ऐसे एक्सप्रेस करते थे ट्रायल फंक्शन बनाने के लिए, ए नोट प्लस ए वन एन प्लस ए टू एन स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर पॉलिनोमियल है उसका पावर एम है, ठीक है, मतलब पावर m से सब कुछ आ जाएगा उसमें, चाहे तो पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे पावर होगा वैसे वैसे उसको एक्सटेंड कर देंगे, a नोट प्लस a1, ठीक है, a नोट प्लस a1n, a नोट प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एम एन टू दी पावर एम। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा ट्रायल सॉल्यूशन। अगर आपको राइट हैंड साइड पे एफ एन के रिप्लेस में, ठीक है, एफ एन इक्वल टू जीरो के रिप्लेस में, मतलब एफ एन नॉट इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि नॉन होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, उसके रिप्लेस में आपको इस टाइप का मिलता है सी टू दी पावर एन इंटू पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एम। ठीक है, और ये जो सी है, सी इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, सी इज नॉट अ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तब आपका जो ट्रायल सॉल्यूशन बनेगा ये बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर सी जो आपका है वो सी इज अ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब सी जो आपका है वो कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन है उसका एक रूट है, तब देख लेते हैं तब क्या कंडीशन बनेगी, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये इस कंडीशन में है सी टू दी पावर एन पी एन। ठीक है, इफ सी इज अ रूट ऑफ characteristic इक्वेशन। ठीक है, अब Fn जो है आपका राइट हैंड साइड पे इस फॉर्म में है। ठीक है, मतलब c टू दी पावर n कॉन्स्टेंट की पावर n है। ठीक है, और साथ में पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री m। ठीक है, और आपका जो ये c है ये रूट भी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है तो या तो सिंगल रूट हो सकता है, ठीक है, या मल्टीप्लिसिटी में हो सकता है रूट। तो सपोज करते हैं इफ c इज अ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिसिटी t। ठीक है, जो ये रूट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एक रूट है जो आपको एफ एन के फॉर्म में मिला गया है। ठीक है, और मल्टीप्लिसिटी t है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, तीन बार हो सकता है। तब देखते हैं तब कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए tn तो डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, cn बाद में लिख लेंगे। एक काम करेंगे यहाँ पे लिख लेता, ये देखो ये पहले जो था इसको ऐसे लिख लेंगे जैसे लास्ट ट्रायल फंक्शन में लिखा था। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल है ऑफ पावर m, सॉरी ठीक है पावर m और डिग्री बोल सकते हैं, ऑफ डिग्री m, ए नोट प्लस ए वन एन प्लस ए टू एन स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एम एन टू द पावर m, साथ में ये जो कॉन्स्टेंट टू द पावर n है। ठीक है, इसको लिख लेंगे। और c जो था क्योंकि वो रूट था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का और मल्टीप्लिसिटी में t था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसके साथ में लिखेंगे n। ठीक है, और n का पावर अगर एक वन मल्टीप्लिसिटी में है तो सिर्फ n रहेगा, अगर ठीक है मल्टीप्लिसिटी 2 है t के रिप्लेस में या 3 है तो यहाँ पे उतना ही आ जाएगा। तो ट्रायल फंक्शन बन गया, अगर एफ एन के रिप्लेस में आपको c टू दी पावर n, c टू दी पावर n मतलब 2 टू दी पावर n, 3 टू दी पावर n, 4 टू दी पावर n, इस टाइप का कुछ मिल सकता है, और साथ में पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री m। तब जो ट्रायल फंक्शन बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल था, ये तो बनना ही वाला था। ठीक है, कि जो पोलिनोमियल था जितना उसका डिग्री था तो उतने तक ही उसको एक्सटेंड कर रहे थे, और साथ में जो था ठीक है कॉन्स्टेंट 2 टू द पावर n, ठीक है वो लिख रहे थे, और साथ में क्योंकि ये जो था रूट था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का तो n टू द पावर t, मतलब जितनी बार ये रूट रिपीट होता है तो इसके पावर लिख देंगे, t के रिप्लेस में वो लिख देंगे। 2 बार रिपीट होता है तो 2 टाइम लिख देंगे, और 3 टाइम रिपीट होता है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कैसे मिल सकता है आपको एफ एन। ठीक है, एफ एन देख सकते हैं अब आपको एफ एन जो है आपको सिर्फ आपको इस टाइप से मिल सकता है कि 2 टू दी पावर n मिल सकता है, सिर्फ इसी टाइप से कि साथ में कोई पोलिनोमियल नहीं है मल्टीप्लीकेशन में। उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो आपका ठीक है इस कंडीशन में मिल गया आपको c टू द पावर n, जो fn है आपको इस कंडीशन में मिल गया c टू द पावर n, c टू द पावर n। और इफ c इज अ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, और मल्टीप्लिसिटी में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है इफ c इज अ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ठीक है मल्टीप्लिसिटी t टाइम ही कर देते हैं। ठीक है, t टाइम रिपीट हो रहा है, अगर मतलब सपोज करो आपको ये किसी भी रियल नंबर टू द पावर n के फॉर्म में या रियल नंबर टू द पावर n के फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन में आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जिस टाइप का टॉपिक है ना जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, जितना ज्यादा ध्यान लगा के आप क्वेश्चन करेंगे, उतना ही आपके लिए इजी, स्टेप बाय स्टेप इजी होता जाएगा। ठीक है। और एक टाइम जब आएगा आपको अभी तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा, अजीब सा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग का टॉपिक है ये। ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन में इस चीज़ का यूज़ करते जाएंगे तो आपको सिंपल ही लगेगा। बेसिकली सिंपल ही है, इतना ज़्यादा कोई टफ टॉपिक है नहीं है। ठीक है। बस आप प्रैक्टिस रखना अपनी। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी हम इस पर, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। ठीक है। तो अब आपको राइट हैंड साइड पे FN के रिप्लेस में C⁵n, मतलब वही जो आपको पीछे बताया, 2n, 3n, ठीक है, इस टाइप के फॉर्म में मिल गया। और ये जो है ये 2n, ये C इज अ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एक रूट है और मल्टीप्लिसिटी में है। ठीक है। मतलब एक टाइम दो टाइम रिपीट होके रूट आ रहा है, मतलब मल्टीपल रूट मिले हैं आपको। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आपने उसको सोल्व करा, ठीक है, तो वहां से जो आपको रूट मिले हैं वो मल्टीप्लिसिटी में मिले हैं। और ये जो C है, ठीक है, वहीं का एक रूट है। तो कैसे करेंगे इसको? जो ट्रायल फंक्शन मिल जाएगा आपको, कैसे मिल जाएगा? ठीक है। ये बेसिकली ये तो मिल ही रहा था आपको C⁵n, ठीक है, और साथ में a0, ठीक है, और n⁵t, मतलब जितनी बार ये रूट जो C है वो रिपीट हो रहा है, तो ये आपका ट्रायल फंक्शन बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब देखेंगे और एक चीज और, जब आपको FN = कोई कांस्टेंट मिल गया आपको राइट हैंड साइड में, ठीक है, FN = अगर आपको कोई कांस्टेंट मिल गया तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो डायरेक्ट क्या लिख देंगे? AN = A। ठीक है। सपोज आगे यहीं पे बता देता हूँ। इफ जो FN है वो आपको एक कांस्टेंट मिल गया, ठीक है, अल्फा से डिनोट कर देते हैं, हाँ, कांस्टेंट। ठीक है। तो जो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? वो डायरेक्टली A हो जाएगा। ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करना है वो देखेंगे आगे क्वेश्चन में। ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लो, एक बार और बता देता हूँ मैं। ठीक है। ये जो आपका, ठीक है, क्या कर रहे थे अभी तक? हमने होमोजीनियस देख लिया था। अगर होमोजीनियस कोई रिकरेंसिलेशन गिवन था, ठीक है, लीनियर होमोजीनियस रिकरेंसिलेशन, उसको आराम सोल्व कर रहे थे। कैसे सोल्व कर रहे थे? वर्किंग रूल लगा के उसको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में जनरेट कर रहे थे। ठीक है। और फिर उसके बाद उसको सोल्व कर रहे थे। तो अगर जितने ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी तो उतने ही आपके पास रूट आ जा रहे थे। ठीक है। अब रूट आ गए आपके पास, ठीक है, उन रूट को डिस्टिंक्ट रूट हो सकते थे, मल्टीपल रूट हो सकते थे, या मिक्स रूट हो सकते थे। उनको लेके आप जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन का जनरल फॉर्म बना रहे थे आपको। ठीक है। अभी जो यहाँ पे रिकरेंसिलेशन है वो किस टाइप का रिकरेंसिलेशन है? लीनियर तो है बट नॉट अ लीनियर होमोजीनियस। ठीक है। मतलब जो राइट हैंड साइड पे FN = 0 होता था तो होमोजीनियस बोल देते थे, तो यहाँ पे FN ≠ 0 है। अब FN आपको इन सब फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है। अब इन सब फॉर्म में मिलेगा तो उसका ट्रायल सॉल्यूशन क्या बनेगा? ठीक है, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? जो होमोजीनियस सॉल्यूशन में ऐड करके जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आएगा किसी नॉन होमोजीनियस रिकरेंसिलेशन का, वो ये है। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको अगर यहाँ पे कोई भी डाउट रह गया आपको तो वो सारा आपका क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। नॉन होमोजीनियस रिकरेंसिलेशन का ठीक है, उससे अच्छे से समझने की ट्राई करेंगे कि कैसे कोई नॉन होमोजीनियस रिकरेंसिलेशन गिवन हो तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन जो आता है AN = AN होमोजीनियस प्लस AN पर्टिकुलर सॉल्यूशन को मिक्स करके कैसे जो जनरल सॉल्यूशन है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन ले रहे थे वही देख लेते हैं। ठीक है, क्या था वो? AN - 6 AN - 1 + 8 AN - 2 इक्वल टू 3। ठीक है, ये कोई रिकरेंसिलेशन गिवन है। ठीक है, और किस टाइप का रिकरेंसिलेशन है, इसको जब आप कंपेयर करेंगे, इसको गिवन रिकरेंसिलेशन को लीनियर रिकरेंसिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के फॉर्म से, तो लीनियर तो है बट राइट हैंड साइड पे जब आप fn देखेंगे तो fn इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब लीनियर तो है बट होमोजीनियस नहीं है। अगर कनेक्ट करके बोलेंगे तो नॉट अ लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो अब इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, किस और जो मेथड जो है यूज कर रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड। ठीक है, उसका यूज करके इसका सॉल्यूशन, जो जनरल सॉल्यूशन है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो an इक्वल टू an होमोजीनियस प्लस an पर्टिकुलर आएगा। ठीक है, पहले होमोजीनियस देखेंगे कैसे करते हैं, तो डायरेक्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन। ठीक है, जो गिवन रिकरेंसिलेशन है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो होमोजीनियस फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तभी तो उसका होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालेंगे, देन फिर बाद में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, द एसोसिएटेड होमोजीनियस रिकरेंसिलेशन इज, द एसोसिएटेड होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन इज। ठीक है, जो एक गिवन रिकरेंसिलेशन है नॉन होमोजीनियस, इसको पहले होमोजीनियस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, राइट हैंड साइड पे fn इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, आपका जो एक गिवन रिकरेंसिलेशन है, ठीक है, नॉन होमोजीनियस, ये होमोजीनियस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, an माइनस 6 an माइनस 1 प्लस 8 an माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको अच्छी तरीके से पता है जो लीनियर होमोजीनियस रिकरेंसिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होते थे उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्या करते थे, लेट ए एन इक्वल टू आर टू दी पावर एन बी अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेट कर लेते थे। अब ए एन इक्वल टू आर टू दी पावर एन पुट करेंगे और ए एन माइनस वन इक्वल टू आर टू दी पावर एन माइनस वन पुट करेंगे और ए एन माइनस टू इक्वल टू आर टू द पावर एन माइनस टू। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, और फिर पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे आर टू द पावर एन माइनस टू से, तो आपके पास जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा, पीछे बताया भी गया है, आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 8r इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से जो रूट आ जाएंगे, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे, 2 और 4। ठीक है, ये 2 डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे। ठीक है, तो जो होमोजीनियस सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, an होमोजीनियस इक्वल टू, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रूट हैं, डिफरेंट डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, c1 r1 टू द पावर n प्लस c2 r2 टू द पावर n। ठीक है, ये आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रूट आ गए। ठीक है, बट जो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा नॉन होमोजीनियस का, वो होगा an इक्वल टू an होमोजीनियस प्लस an पर्टिकुलर। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन जो होगा। ठीक है, नाउ फॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, जो आपका fn है, ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, वो एक कांस्टेंट गिवन है, और ये जब अभी देख रहे थे हम, फॉर्म देखी थी हमने, फॉर्म fn जो है आपको किस किस फॉर्म में मिल सकता है, और ट्रायल सॉल्यूशन देखे थे जब मैंने एंड में बताया था, अगर आपको कांस्टेंट मिल जाता है, ठीक है, fn इक्वल टू, तो डायरेक्ट जो हो जाएगा रिकरेंसिलेशन का ट्रायल सॉल्यूशन, वो क्या हो जाएगा, वो an इक्वल टू कितना हो जाएगा, a। ठीक है, तो ठीक है, an इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, और ये अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। ठीक है, वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। substituting in the गिवन रिलेशन बोल लो या फिर इन द इक्वेशन फर्स्ट जो गिवन नॉन होमोजीनियस रिकन्सिलिएशन गिवन है इसमें इसे पुट कर देंगे जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया है। ठीक है ठीक है, तो अब जब इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 6a प्लस 8a इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ से आप a का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना जाएगा, a का वैल्यू टू 3, a इक्वल टू 1। ठीक है, अब a का वैल्यू है जो आपको यहाँ पुट कर देंगे, देयरफॉर ए एन पर्टिकुलर। ठीक है, ये ए एन पर्टिकुलर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और ए एन होमोजीनियस हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो फिर जो टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा या जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, हेंस द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए एन होमोजीनियस प्लस ए एन पर्टिकुलर। ठीक है, तो ए एन होमोजीनियस कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 2 होमोजीनियस जो आया था C1 2 to the power n प्लस C2 4 to the power n। और जो ए एन होमोजीनियस पर्टिकुलर कैलकुलेट किया है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 1, तो प्लस 1। ठीक है, जो गिवन नॉन होमोजीनियस रिकन्सिलिएशन है उसको उसके जनरल सॉल्यूशन को फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये तो सिर्फ एक कॉन्स्टेंट टर्म था जो FN इक्वल टू 3 मिल गया आपको। ठीक है, जो जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन था AN P इक्वल टू 1 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही आपको FN डिफरेंट टाइप से मिल सकते हैं आपको। ठीक है, वो पहले बता दिए गए आपको कि अगर आपका FN जो है एक पॉलिनोमियल होगा या पॉलिनोमियल के साथ कॉन्स्टेंट की फॉर्म में होगा तो किस टाइप से ट्रायल फंक्शन बनेंगे, उसका यूज करके आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया तो होमोजेनियस सॉल्यूशन में ऐड कर लेंगे। ठीक है, जैन जो जनरल सॉल्यूशन आएगा AN इक्वल टू AN होमोजीनियस AN प्लस AN पर्टिकुलर, ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर FN जो है आपका एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ सकता है तो कैसे उसका जनरल सॉल्यूशन नॉन होमोजीनियस रिकन्सिलिएशन का जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।